गुरुग्राम ग्राम के अंदर कल स्वर्गीय पवन भारद्वाज की स्मृति में शहीद पवन मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि सुशील भारद्वाज टूलर कांग्रेसी नेता ने बताया कि इस भंडारे का आयोजन पिछले 29 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और कल भी इस भंडारे के अंदर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर प्रसाद छका गया। बता दें कि आपको इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और सुबह से लेकर शाम तक इस भंडारे के आयोजन में हजारों लोगों ने प्रसाद लिया। सुशील भारद्वाज टूलर ने बताया कि इस मौके पर चिरंजीव राव और दिलीप साहनी ने भी शिरकत की और साथ ही यहाँ पर प्रसाद को खाया। इसमें हम आपको आगे खबर में दिखाते हैं सुशील भारद्वाज जी से हुई हमारी बातचीत के अंश और साथ ही अन्य लोगों से यहाँ पर हुई हमारी बातचीत के अंश। देखते रहिए आप यह खास खबर हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और खबरों पर कमेंट्स जरूर करें और जिससे हमारा उत्साह आप बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गलगप्पा लाइव दिखा रहा है, गलगप्पा लाइव पूरे पूरी तरह डेली दिखा रहा है। मैं देखता हूँ गली बाजा लोकल चैनल ये हमारा 29वां भंडारा है और बारिश की वजह से, शरद पूर्णिमा को होने की वजह से आज किया गया है, पोस्टपोन कर दिया क्योंकि बारिश हो गई। तो कैसा महसूस करते हैं जब हर साल ये भंडारा आप आयोजित करते हैं? भंडारा आता है, हम एक इसको बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही आपको त्योहार मना रहे हैं। हमारा भी गांव इसमें शामिल होता है, सारी फैमिली, सारे तो जी आज जो आपने कार्यक्रम किया है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या कारण है, किस वजह से ये कार्यक्रम किया गया आज का? ये हमारा वार्षिक भंडारा है जो कि 29वां है ये जी, इससे पहले 28 हो चुके हैं। केवल दो भंडारे में गैप आया था, वो भी जो रोग चला था, कोरोना काल चला था, उसकी वजह से गैप आया था, वरना भगवान शंकर की दया से ये प्रतिवर्ष भंडारा होता है। मंदिर का निर्माण हुआ था हमारे बड़े भाई पवन भारद्वाज उर्फ भोला की यारदास में एक मंदिर बनाया गया था सबके सहयोग से, उसकी यारदास में ये भंडारा प्रतिवर्ष किया जाता है। वैसे तो ये भंडारा होता है वाल्मीकि जयंती पर, लेकिन देखा होगा कि वाल्मीकि जयंती 9 तारीख की थी और उस दौरान बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो पोस्टपोन करके हमने 16 तारीख यानी आज रविवार को किया, वरना ज़्यादातर ये भंडारा वाल्मीकि जयंती पर ही होता है और ये ट्रस्ट के माध्यम से होता है। पवन मेमोरियल ट्रस्ट है जो तो मेरे बड़े भाई के नाम से ही है, उस ट्रस्ट के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे मशीन बांटते हैं, विडो की हेल्प करते हैं, गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं और मंदिर की देख रेख करते हैं, मंदिर में जो भी कार्य होता है उसके माध्यम से करते हैं। ये भंडारा भी पवन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। आगे क्या पवन मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा कुछ और भी अन्य कार्य किए जाएंगे? आगे भी हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं, बीच में जब सुनील कटारिया मंत्री थे तो उन्होंने अपने फंड से हमारे ट्रस्ट को 11 लाख रुपए दिए थे, हमने उन 11 लाख की मशीन, सिलाई मशीन वितरित की थी और वो सबको, यानी जो विडो वीरवानी है, गरीब औरतें हैं, उनको दी थी। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम कुछ ना कुछ हेल्प करते ही रहते हैं। तो इसका मतलब है पिछले 29 सालों से आप यह भंडारा कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इस समय समाज में था और ये भगवान शंकर की दया से ही हो रहा है, उसकी कृपा है जो वो चला रहा है और लोगों की सहयोग है, पूरे समाज का, भाई बरादरी का, यार दोस्तों का सहयोग से भंडारा होता है, कोई अकेले हम नहीं कर रहे हैं, ये सबके सहयोग से हो रहा है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस भंडारे के माध्यम से? इस तरह के धार्मिक कार्य होने चाहिए जिससे कि धार्मिक भावना हो और आपस में प्रेम भाव हो, भाईचारा बना रहे, इन माध्यम से प्रेम भाव होता है, हम मिलते हैं जुलते हैं, गरीब लोगों को भोजन कराते हैं, इससे मेल मिलाप की भावना बढ़ती है।
भारद्वाज जी, एक और लोगों में भावना होती है कि जो भंडारा होता है वो गरीब लोगों के लिए किया जाता है बेसिकली, इस कारण से कई लोग भंडारा नहीं खाते हैं, भूखे होते हैं लेकिन फिर भी नहीं खाते हैं, हमने सुना है। तो आप लेट आए हो, हमारे यहाँ सब प्रकार के लोग आए हैं, गरीब तो आते ही है, पॉलिटिकल भी आए हैं, गुड़गांव के विधायक भी आए, टूबरी कटारिया भी आए, नवीन गोयल भी आए, मुकेश पहलवान भी आए, वकील आए, यानी अमीर गरीब सब आते हैं और सब खा कर जाते हैं, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद में अमीर गरीब क्या करेगा, प्रसाद को जो खाएगा वही पाएगा, तीर्थ यात्रा है तो भगवान का प्रसाद है जी। जो खाएगा वो पाएगा, जो मिस कर देते हैं वेरी गुड, वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं। धन्यवाद। भंडारा जहाँ भी हो व्यक्ति को निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसका प्रसाद लेने पहुँचना चाहिए, और मैं आपके टीवी के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये भंडारा प्रतिवर्ष वाल्मीकि जयंती पर होता है, जो भी ये सुने वो वाल्मीकि जयंती पर अवश्य आए। इतना विशाल भंडारा आपने आयोजित किया, ऐसा लगता है कि पूरे गांव ने यहाँ पर भोजन ग्रहण किया। हाँ जी, हाँ जी, यानी पूरा गांव नहीं, पूरे गांव के अलावा पूरा शहर भी आता है, दूर दूर से लोग आते हैं, हर गांव से लोग आते हैं, जो भी हमारी जानकार है जी। धन्यवाद भारद्वाज जी, आप काम से बात करने के।